नोबेल विजेता केमिस्ट स्पॉट वेटरिंग इन यूएस पत्नी मृत मृत पास। ई-ichi ने गीशी पर्ड्यू विश्वविद्यालय में एक रसायनज्ञ शिक्षण और उसकी पत्नी सुमेरे ने गीशी सोमवार को लापता हो गई थी। एक ग्रामीण नोबेल पुरस्कार विजेता को बुधवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ई-ichi ने गीशी 82 एक पड़ोसी राज्य इंडियाना में पर्ड्यू विश्वविद्यालय में एक रसायनज्ञ शिक्षा और 80 वर्ष की उनकी पत्नी सुमेरे ने गीशी सोमवार को लापता हुई थी। पुलिस ने उन्हें अपने घर के पूर्वोत्तर के करीब 200 मील 320 किलोमीटर उत्तर की ओर से ऑकार्ड हिल्स लैंडफिल से संबंधित जमीन पर पाया, जो कंपनी एडवांस्ड डिस्पोजल द्वारा संचालित है। पुलिस ने ई-ichi ने गीशी को इस क्षेत्र में चलने की खोज की और उसकी पत्नी अपनी कार के पास मृत पाया गया। ओगली काउंटी शेरीफ के कार्यालय के लेफ्टिनेंट ब्रायन केटर ने बताया, उसे और वाहन दोनों जमीन की संपत्ति पर मिले थे। दंपति एक पास के हवाई अड्डे के लिए गाड़ी चला रहा था और वह भ्रमित हो गया और ई-ichi ने गीशी ने अपनी कार को एक खाई में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। WHTR टेलीविजन के अनुसार टीवी स्टेशन ने बताया कि सुमीर ने गीशी पीछे रह गई थी, जबकि उसके पति ने मदद की तलाश में पीछे छोड़ा था। पुलिस इस घटना के बारे में ब्यौरा की पुष्टि नहीं करेगी, लेकिन गलत नाटक पर संदेह नहीं किया। रॉकफोर्ड हवाई अड्डा लगभग 8 मील 13 किलोमीटर स्थित है, जहां से जोड़े की खोज की गई थी। स्थानीय कोरोना के कार्यालय ने कहा कि एक शव परीक्षा लंबित थी। ई-ichi ने गीशी को अस्पताल में उपचार मिला था, पुलिस ने कहा। नगीशी एक जापानी राष्ट्रीय है जो अमेरिका में रसायन विज्ञान के अध्ययन के लिए 1960 में फुल ब्राइट छात्रवृत्ति पर आया था। वह पंदू संकाय में 79 उन्होंने दो अन्य वैज्ञानिकों के साथ जटिल रसायन बनाने के लिए एक विधि विकसित करने के लिए 2010 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। इस पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन के लिए भी शामिल है।